मारुति सेल्स ब्रेकअप अक्टूबर 2021 ऑटो वैगनआर स्विफ्ट बलेनो एर्टिगा। मारुति सुजुकी की बिक्री अक्टूबर 2021 में साल दर साल 33% कम हो गई, जिसका मुख्य कारण अर्धचालकों की भारी कमी है, जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घटकों की अपर्याप्त आपूर्ति वैश्विक अर्धचालक की कमी के कारण देश में प्रत्येक वाहन निर्माता का उत्पादन प्रभावित हुआ। मारुति सुजुकी को भी प्रभाव को कम करने और अपने दोनों संयंत्रों में उत्पादन के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय करने पड़े। मारुति सुजुकी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि इस सेमीकंडक्टर की कमी का नवंबर तक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और संभवतः नए साल में भी। यहां तक मारुति सुजुकी ने अक्टूबर 2021 में अपने 10 मॉडलों के साथ सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की शीर्ष 25 की सूची में कुल पीवी बिक्री में 33% की गिरावट आई है। मिनी और मिड साइज सेडान सेगमेंट में बिक्री में गिरावट आई, जबकि यूवी की बिक्री में साल दर साल वृद्धि हुई। पिछले महीने में बिक्री 1.08 लाख यूनिट रही, जो अक्टूबर 2020 में बेची गई 1.63 लाख यूनिट्स की तुलना में सालाना आधार पर 33% कम है। हालांकि सितंबर 2021 में बेची गई 63,111 यूनिट्स की तुलना में यह 73% की वृद्धि थी। कंपनी लाइनअप में हर मॉडल ने एक साल दर साल पोस्ट किया। अर्टिगा और एक्सेल 6 को छोड़कर ग्रोथ डॉट कोविल मारुति बिक्री गोलमाल अक्टूबर 2021 ऑल्टो सूची में सबसे आगे है। मारुति सुजुकी ऑल्टो कंपनी लाइनअप में सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल था। पिछले महीने बिक्री 17,389 इकाई रही, जो अक्टूबर 2020 में बेची गई 17,850 इकाइयों की तुलना में 3% कम है। यह सितंबर 2021 में बेची गई 12,143 इकाइयों की तुलना में मॉम के आधार पर 43% की उल्लेखनीय वृद्धि थी। कंपनी नए के लॉन्च के लिए तैयार है। जनरल ऑटो की टेस्टिंग के दौरान जासूसी की गई है। इसे सुजुकी के हार्टेक प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा और यह अपने मौजूदा समकक्ष से बड़ा और लंबा होगा। कोल नंबर 2 पर मारुति सुजुकी बलेनो 15,573 इकाइयों की बिक्री के साथ थी, जो अक्टूबर 2020 में बेची गई 21,971 इकाइयों की तुलना में 29% कम थी। सितंबर 2021 में बेची गई 8,077 इकाइयों की तुलना में मॉम की बिक्री में 93% का सुधार हुआ। अगली पीढ़ी की बलेनो को भी देखा गया है परीक्षण। 2022 बलेनो को हार्टेक प्लेटफॉर्म पर भी तैनात किया जाएगा और इसे कई फीचर अपडेट प्राप्त होंगे। तीसरे नंबर पर रही मारुति सुजुकी अर्टिगा में पिछले महीने 12,923 यूनिट्स की बिक्री हुई। यह अक्टूबर 2020 में बेची गई 7,748 इकाइयों पर 67% की वृद्धि थी और सितंबर 2021 में बेची गई 11,000 इकाइयों पर 14% की वृद्धि हुई थी। अक्टूबर 2021 में वैगनआर की बिक्री 12,335 इकाई थी, जो उसी महीने में बेची गई 18,703 इकाइयों से 34% कम थी। पिछले साल हालांकि मॉम की बिक्री सितंबर 2021 में बेची गई 7,632 इकाइयों के मुकाबले 62% बनी। मारुति सुजुकी ईको स्विफ्ट ब्रेजा और डिजायर बिक्री चार्ट के नीचे मारुति सुजुकी ईको स्विफ्ट ब्रेजा और डिजायर थे। अक्टूबर 2021 में ईको वैन की बिक्री 10,000 यूनिट का आंकड़ा पार कर 10,320 यूनिट हो गई, जो अक्टूबर 2020 में बेची गई 13,309 यूनिट से 22% कम है। सितंबर 2021 में बेची गई 7,844 यूनिट्स की तुलना में यह 32% की वृद्धि थी। डॉट कोविल मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने अक्टूबर 2021 में 9,180 इकाइयों की बिक्री देखी,
जो अक्टूबर 2020 में बेची गई 24,589 इकाइयों की तुलना में 63% कम है। यह इसकी बॉम बिक्री थी जो उल्लेखनीय है। सितंबर 2021 में बेची गई 2,520 इकाइयों की तुलना में बॉम के आधार पर बिक्री में 264% की वृद्धि हुई। अक्टूबर 2021 में मारुति ब्रेजा और डिजायर की बिक्री क्रमशः 34% और 54% घटकर 8,032 इकाई और 8,077 इकाई हो गई। ये अक्टूबर 2020 में क्रमशः 12,087 इकाइयों और 17,675 इकाइयों की बिक्री के मुकाबले थी। इन दोनों मॉडलों के लिए बॉम की बिक्री 329% और 277 तक बनी। सितंबर 2021 में क्रमशः 1,874 इकाइयों और 2,141 इकाइयों से अधिक प्रतिशत। अपने सीएनजी प्रारूप में डिजायर सब कॉम्पैक्ट सेडान जल्द ही नई होंडा अमेज सीएनजी के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएगी, जिसे परीक्षण पर जासूसी की गई है। एस्प्रेसो ने अक्टूबर 2021 में 4,442 इकाइयों की बिक्री देखी है, जो अक्टूबर 2020 में बेची गई 10,612 इकाइयों की तुलना में 58% कम है। सितंबर 2021 में बेची गई 2,793 इकाइयों की तुलना में मॉम की बिक्री 59% बढ़ी। मारुति एक्सेल 6 की बिक्री 89 तक 4,602 इकाई थी। अक्टूबर 2021 में बेची गई 2,449 इकाइयों से अधिक प्रतिशत और सितंबर 2021 में बेची गई 3,748 इकाइयों से 23% अधिक। कंपनी ने अक्टूबर 2021 में सेलरियों की 1,999 इकाइयों, इग्निस की 1,526 इकाइयों, एसक्रॉस की 1,524 इकाइयों के साथ साथ सियास की 1,079 इकाइयों की भी बिक्री की।